राजनीति में कभी आपको कुछ बोलना हो तो बड़ा ही संभल के बोलना चाहिए। मोकामा उपचुनाव अभी हो रहे हैं, वोटिंग होना है 3 नवंबर को, और ऐसे में वहाँ पर दो बाहुबली की पत्नी आमने सामने है। बीजेपी से ललन सिंह की पत्नी है, तो वहीं अनंत सिंह जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं और अभी जेल में बंद हैं और उनके सजा याफ्ता होने की वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, वहाँ उनकी पत्नी भी मैदान में डट के खड़ी हैं। आरजेडी से हैं नीलम सिंह, और ऐसे में इन दोनों के बीच जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं उससे लोगों को लगता है कि ये बाहुबलियों की पत्नी सिर्फ अखाड़े में खड़ी हैं और उनके पीछे जो लोग हैं वो लोग काफ़ी मजबूत लोग हैं और बाहुबली लोग ही हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कब का है, 2015 का है या 2020 का है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जिस तरह का ये वीडियो है उसे ये लगता है कि ये वायरल वीडियो 2020 के विधानसभा चुनाव के हैं, जिसमें जेडीयू के अभी जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनका ये वीडियो बहुत ही तेजी से मोकामा में वायरल हो रहा है। वायरल निश्चित तौर पर विपक्षी लोग कर रहे हैं, और वहाँ जो विपक्षी लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरह यह वीडियो पूरे लोगों, पूरे जो वोटर हैं उनके हाथों में चला जाए, ताकि वहाँ पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को नुकसान हो जाए। ये वीडियो क्या है ये पहले आपको बता दें। इस वीडियो में ललन सिंह यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि मोकामा की गरिमा को लालू यादव और तेजस्वी यादव के चरणों में जाके रख दिया है, जो सम्मान है उस सम्मान को रख दिया है, और ऐसे लोगों को चुनाव में हरा देना चाहिए। लोग कितने शातिर होते हैं उसका अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि ये वीडियो है पहले का, लेकिन अभी उसको सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि अनंत सिंह की पत्नी जो चुनाव में उम्मीदवार हैं, आरजेडी की उम्मीदवार हैं, उनको नुकसान हो जाए। इस वीडियो को लेकर के पूरे मोकामा विधानसभा में बहुत ही चर्चा है। पहले आपको ये वीडियो सुनाते हैं कि इस वीडियो में जेडीयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। किया था, आज हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, विनती करने आए हैं कि आपके मान सम्मान को जिसने लालू यादव के जाके चरणों में गिरवी रख दिया है उसको जवाब दीजिए और उसको जमानत मोकामा से जब्त करिए। आप किसी का मान सम्मान देते हैं और आपके मान सम्मान को अगर कोई गिरवी रख देगा, आपके मान सम्मान को किसी के चरणों पर, लालू यादव जैसे व्यक्ति के और तेजस्वी जैसे व्यक्ति के चरण पर अगर रख देगा आपके मान सम्मान को, तो क्या जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, बोलिए, आप ही बोलिए। अगर आपके मान सम्मान को, आपके स्वाभिमान को अगर कोई आदमी लालू यादव के और तेजस्वी यादव के चरणों में समर्पित कर देगा, उसको क्या जवाब मिलना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। करारा जवाब मिलेगा सर। तो करारा जवाब अगर मिलना है तो उस व्यक्ति को डुमरा से जमानत करा के एक वोट भुगतना जो संकल्प आपने 2015 में लिया था, एक वोट किसी को नहीं मिला था, वही संकल्प इस बार लीजिए अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। अगर हम आपके प्रतिनिधि हैं, हम आपके सांसद हैं, अगर हम आपका मान सम्मान किसी को कहीं गिरवी रख देंगे, हमको वोट दीजिएगा,
नहीं दीजिएगा, नहीं अरे दीजिएगा, नहीं नहीं दीजिएगा, तो आज ही वही समय है आपके मान सम्मान और स्वाभिमान को उसने लालू यादव के हाथ में गिरवी रख दिया। लालटेन लालटेन युग को भी वापस लाना चाहते हैं। लालटेन युग को देखे हैं आप लोग? लालटेन युग को आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? आपने वीडियो देख लिया, सुन भी लिया, एक एक शब्द आपने गौर से सुन लिया होगा। अब आप समझिए, ये वीडियो इस समय में निश्चित तौर पर नीलम सिंह के जो विपक्ष में लोग हैं उन लोगों ने सर्कुलेट किया है, और इस तरह से इसको पूरे वायरल किया गया है ताकि जो भी मोकामा के वोटर हैं, जिनकी संख्या लगभग 179,000 के आसपास है, वो कंफ्यूज हो जाएं कि खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि अनंत सिंह को हराना है, यानी उनकी पत्नी को हरा देना है। उन्होंने मोकामा के मान सम्मान को लालू यादव और तेजस्वी यादव के चरणों में जाकर रख दिया है। लोग कंफ्यूज होंगे, तो निसंदेह इस वायरल वीडियो का जो इफेक्ट है वो वोटिंग पर पड़ेगा। लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि यह वीडियो इस चुनाव का नहीं है। इस उपचुनाव में कहीं से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। यह वीडियो पुराना है, जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ थी और दोनों ने एनडीए के रूप में वहां से कैंडिडेट को खड़ा किया था, और अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार के दौरान ललन सिंह ने ये बातें कही थी। इस बार का चुनावी परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ है। बीजेपी ने वहां से जो बाहुबली हैं, एक दूसरे ललन सिंह, उनको उतारा हुआ है, उनकी पत्नी को टिकट दिया है। तो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, जिसे आप महागठबंधन कहते हैं, उस महागठबंधन की तरफ से अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यानी सोनम सिंह जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं और आरजेडी की कैंडिडेट नीलम सिंह, इन दोनों के बीच में वहां मुकाबला है। दोनों बाहुबली की पत्नी हैं, दोनों जोर आजमाइश पर लगी हुई हैं, एक के पीछे सूरज भान लगे हुए हैं सोनम देवी के पीछे, तो अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह के पीछे विवेका पहलवान है, और ऐसे में चुनाव हो रहा है। सूरज भान के साथ लोजपा भी है, लोजपा यानी आप कह सकते हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी जो दो फाड़ों में बट गई, उसमें से जो उनके भाई पशुपति पारस की पार्टी है वो बिल्कुल सूरज भान के साथ है, क्योंकि सूरज भान उस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो दूसरी तरफ ललन सिंह की पत्नी हैं, और ललन सिंह बाहुबली माने जाते रहे हैं, सूरज भान के काफ़ी करीबी रहे हैं, और इधर अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह के साथ आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, CPIML है, और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोकामा उपचुनाव में जो बाहुल्य वोट है वो भूमिहार वोट है। डिसाइडिंग वोट वहाँ कई हैं, कई उसके पक्ष हैं, कई जातियों के वोट हैं जो डिसाइडिंग हैं, लेकिन इन तमाम के बीच इस वायरल वीडियो ने एक नया गेम कर दिया है। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरल वीडियो को आप मान के चलिए कि यह वीडियो इस उपचुनाव के नहीं, हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस वायरल वीडियो को आप इस चुनाव का वीडियो नहीं मानिए, क्योंकि ये उस समय का वीडियो है जब बीजेपी और जेडीयू एनडीए में थी, और उस समय वहां पर जो जेडीयू कैंडिडेट थे उनके पक्ष में चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह ने ये बातें कही थी। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन इतना याद रखिए
कि खुलासा मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल बटन है उसको जरूर एक बार पुश कर दीजिए। नमस्कार।